दोस्तों लोन ईएमआई पर आया नया अपडेट। लोन की ईएमआई नहीं भरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। आपने भी लिया है लोन तो जरूर जान लें ये खबर। आज के समय में हर किसी ने कोई ना कोई छोटा मोटा लोन जरूर ले रखा है, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि अगर आप बैंक या फाइनेंस कंपनी से लिया लोन वापस नहीं करते या फिर लोन की ईएमआई भरने में देरी करते हैं तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे ही लोन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने कार लोन ले रखा है और अपनी कार की किस्त टाइम पर जमा नहीं कराई तो आपकी कार का मालिक आपका लोन फाइनेंसर होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान ये अहम निर्णय दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि लोन की किस्तें यानी ईएमआई पूरी होने तक वाहन का मालिक केवल फाइनेंसर ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोन की किस्तों में डिफॉल्ट होने पर फाइनेंसर वाहन पर कब्जा कर लेता है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दरअसल उदाहरण के तौर पर अम्बेडकर नगर के रहने वाले राजेश ने साल 2013 में महिंद्रा गाड़ी फाइनेंस पर खरीदी थी। इस कार के लिए उन्होंने 1 लाख का डाउन पेमेंट किया था और बाकी लोन कराया था। इस लोन के लिए उन्हें हर महीने 12,531 रुपए की किस्त भरनी थी। राजेश ने 7 महीने कार की ईएमआई भरी, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई किस्त नहीं दी। 5 महीने तक फाइनेंसिंग कंपनी ने इंतजार किया, लेकिन फिर भी किस्त नहीं दी तो फाइनेंसिंग कंपनी ने कार उठवा ली। ग्राहक को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने उपभोक्ता अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने फाइनेंसर पर 2,23,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट का कहना था कि फाइनेंसर ने बिना नोटिस दिए ग्राहक की गाड़ी उठाई है। उपभोक्ता कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि फाइनेंसर ने ग्राहक को किस्त भरने के लिए पूरा मौका नहीं दिया। इसके बाद फाइनेंसर ने सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गाड़ी को खरीदने वाला डिफॉल्टर था, जिसने खुद माना कि वो 7 किस्त ही चुका पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनेंसर ने 12 महीने के बाद गाड़ी को कब्जे में लिया। कोर्ट की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की ओर से लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया। हालांकि ग्राहक को नोटिस नहीं देने के अवज में फाइनेंसर को 15,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। लोन नहीं भरने के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले लोन लेने वालों को बैंक की तरफ से अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि बैंकों के इस कदम से संबंधित व्यक्ति के सिविल स्कोर पर बुरा असर पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि बैंक कर्जदार को बिना अपना पक्ष रखने का मौका दिए एक तरफा अकाउंट को फ्रॉड नहीं घोषित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा यह भी कहा कि किसी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने से पहले ही इस तरह का कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करना संबंधित कर्जदार को ब्लैकलिस्ट करने के समान है। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में 2 हाई कोर्ट के फैसलों पर विचार कर रहा था। दोस्तों, यह थी आज की गुड न्यूज़। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना।